जबरन धर्म परिवर्तन के मामले और उसके बाद एक मामला जो है घाटी से भी सामने आया, यानी कि कश्मीर से सिख समुदाय की एक बेटी से जबरन धर्म परिवर्तन का मामला जो सामने आया, उसके बाद भारत के विभिन्न इलाकों में विरोध प्रदर्शन हुआ, तमाम समुदाय के लोग जो है एकत्रित होकर सामने आए, लेकिन उसके बाद लव जिहाद का मामला भी सामने आया। इस पर बातचीत करेंगे भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट युधवीर सेठी साहब से। सेठी साहब, क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हो रही हैं? मैं जो पहले तो जो सिख कम्युनिटी जो हमारी छोटी बहनों को जिस प्रकार से जबरन शादी के लिए उनको उठाया गया, मैं इसका कंडेम करता हूँ। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कश्मीर घाटी के जो हमारे पंडित थे या सिख भाई थे, उनके लिए किसी समय में गुरु तेग बहादुर जी ने भी दिल्ली के अंदर अपना शीश त्याग कर उन्होंने उस वक्त भी धर्म परिवर्तन उसको रोकने की कोशिश की थी। और आज भी जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में घटना हुई, बड़ी शर्मनाक घटना है। मेरा यही कहना है कि यहाँ पे सख्त से सख्त कानून लाया जाए और कोई भी व्यक्ति, और ख़ासकर जो समाज के या किसी धर्म के जो धर्म गुरु बने बैठे हैं, उनकी उनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए। धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार यूपी के अंदर योगी जी ने जो कानून लाया, वैसे सख्त कानून यहाँ पे आना चाहिए। और साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आज कहाँ गए कश्मीर के अंदर बैठे वो कश्मीरी लीडर? आज क्यों नहीं वो इसके ऊपर बोल रहे? आज क्यों उनकी जबानें बंद हैं? कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर, पूरे देश के अंदर, मैं तो कहता हूँ पूरे विश्व के अंदर, जिस प्रकार से इस धर्म परिवर्तन को बंद करना चाहिए, जो जबरन फोर्सफुली है जो, और साथ साथ में जो CAA का कानून लाया गया था, वो भी इसलिए लाया गया था कि 47 से ही ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ पे ये कार्य किए जा रहे हैं। अब इस पर रोकथाम होनी चाहिए। और मैं LG मोदी से यही कहना चाहता हूँ, जो कानून यूपी के अंदर लाया गया और बाकी स्टेट के अंदर लाया जा रहा है, यहाँ पे जल्द से जल्द लाया जाए, जिससे हमारी बच्चियाँ सेफ हो सकें, उनके माँ बाप सेफ हो सकें, और इसका कड़ा से कड़ा दंड भी मुकर्रर करना चाहिए कि कोई ऐसी गलती ना करे। आपको लगता नहीं क्या ये जैसे कानून यूपी में लागू हो, वैसे पूरे भारत के हर एक राज्य में, यूनियन टेरिटरी में होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। डर होना चाहिए लोगों को। क्या इतनी ज़रूरत है कि एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में, और लव जिहाद के कारण हमारी बच्चियों को गुमराह किया जा रहा है? शर्म आनी। और बच्चियाँ जो फंस जाती हैं डर के मारे, वो अपने माँ बाप से नहीं कह सकती, बाद में मन मारकर वो जबरदस्ती उस घर में जाना पसंद करती हैं। इसलिए अगर कानून सख्त होगा बच्ची के आज्ञा के बिना, जो धर्म परिवर्तन करते हैं फोर्सफुली करते हैं, क्या उनको कानून का खौफ नहीं है या किसी का ऐसा कुछ? उनको कानून का खौफ दिखाना पड़ेगा। जो उनके धर्म के आका बैठे हैं, जो लीडर, सो का लीडर अपने आप को कहते हैं, उनकी हर जगह पे डिबेट्स होनी चाहिए। LG महोदय को, DC जितने भी डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनकी ड्यूटी लगानी चाहिए, इन धर्म गुरुओं को बिठाएं हर रिलीजन के, और उनको समझाना चाहिए कि आने वाले समय में किस प्रकार की रोकथाम की जाए। अभी भी एक लड़की की बात की जाए तो अभी वो अमल अगवा ही है जबरन, जो तो क्या लगता है आपको? उनका पूरा का पूरा परिवार वहाँ से भागा हुआ है। मेरे को पूरी उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन जिस प्रकार से एक लड़की को वापस लाई, और मैं शाबाशी देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ सिख को जिन्होंने उस लड़की के साथ शादी की, और ये दूसरा भी जो परिवार कब तक भागेगा, ये वापस आएगा, और इस लड़की को भी इज्जत से घर पे लाया जाएगा, ये पक्की बात है। घाटी के खामोश भी हैं, किसी ने ट्वीट नहीं किया, कुछ नेता तो उनको क्या कहें? घाटी के नेता तो खामोशी रहते हैं, आतंकवाद की इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, वो खामोशी रहते हैं। 370 पर बोलते हैं, 370 पे क्यों बोलते हैं? क्योंकि परिवारवाद की राजनीति ख़त्म हो गई, जो उनकी दुकानदारी वो बंद हो गई, पर आने वाले समय में लोकतांत्रिक ढांचा इतना मजबूत हो जाएगा, उनको इस पर भी बोलना पड़ेगा। चलिए शुक्रिया। तो लव जिहाद और धर्म परिवर्तन फोर्सफुली, यानी कि जो जबरन धर्म परिवर्तन पर जिस तरह से माहौल गरमाया हुआ है,
तो अब उस पर क्या कहना था भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट युद्धवीर सेठी साहब का, वो आपने सुना। आप भी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँगा। अब लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। क्या अभिषेक कुमार के साथ, जय हिंद।